आखिर ये सब मारने पीटने के बाद क्यों है? ढोल को पीटा जाता है इसलिए उससे उसकी सुर निकाली जाती है, लेकिन इस देश की महिलाओं को, इस देश के शुद्ध समाज को अपमानित करने का ये अपराध धर्म के ठेकेदार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा भारतीय संविधान कहता है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कि हम धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। जब लिंग के आधार पर हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते तो महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों? अगर आज भारतीय संविधान नहीं होता, आज हमारे महापुरुषों का सामाजिक परिवर्तन के लिए आंदोलन नहीं होता तो राजपाला सैनी को बोलने का मौका नहीं मिलता। हम लोग यहां पर खड़े हैं, बोल रहे हैं, ये भी देश हमारे सामाजिक परिवर्तन महापुरुष, सामाजिक परिवर्तन के महापुरुषों के मेहनत का नतीजा, ये भारतीय संविधान का करिश्मा जिसके नाते हमें अधिकार मिला, अन्यथा इस देश में धर्म के ठेकेदारों ने इस देश के 97% लोगों को अपना गुलाम बना के रखा, धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित किया, यहां तक कि इनका सूक्त वाक्य था नारी शूद्रो न दीयताम, स्त्रियों और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। स्त्रियों में वो किसी भी समाज की हो, ब्राह्मण समाज की हो, क्षत्रिय समाज की हो, दलित समाज की हो, शूद्र समाज की हो, तो भी उसको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। और साथ ही साथ साथियों मैं कहना चाहता हूं, अंग्रेजी हुकूमत ने समय समय पर हमारे सामाजिक परिवर्तन क्रांतिकारियों की बात को सुनकर के तमाम ऐसे फैसले किए जिसमें इस देश की महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। 1835 में महिलाओं को अंग्रेजी हुकूमत ने पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, और जब भारतीय संविधान बना तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उसको मौलिक अधिकार में शामिल कर हमेशा हमेशा के लिए उस पर मुहर लगाने का काम किया कि अब इस देश की महिलाएं भी पढ़ेंगी। इस देश के दलितों, आदिवासियों को, शूद्र समाज को भी अंग्रेजी हुकूमत ने पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाते वक्त उसको मौलिक अधिकार से जोड़ने का काम किया। इस देश में महिलाओं का पहला स्कूल सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी के प्रयास से 1848 पुणे में स्थापित किया गया। और साथियों में कहना चाहता हूं, यहां को 18 विद्यालय ज्योतिबाराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने मिलकर के 18 विद्यालय स्थापित करने का काम किए, पहला विद्यालय पुणे में। और इसी के साथ ही साथ अंग्रेजी हुकूमत ने 1852 में सरकारी स्कूल खोला, लेकिन उसके पहले 1848 में सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने विद्यालय खोला। ये योगदान था हमारे महापुरुषों का। साथियों आप जानते हो पहले नरबलि दी जाती थी, जब हमारे महापुरुषों ने इसके विषय में जानकारी अंग्रेजी हुकूमत को दी तो अंग्रेजी हुकूमत ने उस नरबलि पर रोक लगाई। नरबलि जब कोई बड़ी बिल्डिंग बनती थी, किसी नदी का पुल बनता था, कोई सरकारी भवन बनता था, तो एक शूद्र समाज के व्यक्ति की नरबलि दी जाती थी। अंग्रेजी हुकूमत ने भी इस पर रोक लगाने का काम किया। और भारतीय संविधान बनने के बाद तो सारी की सारी व्यवस्था चाक चौबंद हो गई। अब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और साथ ही साथ हमारे सामाजिक परिवर्तन के महानायकों ने
गैर बराबरी को खत्म किया, जात पात को खत्म किया, छुआछूत को खत्म करने का प्रयास किया, ऊंच नीच की भावना को खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर चाहे थे तो बदले की भावना से जिन लोगों ने हजारों साल तक हम पर जनजाति अत्याचार किया उनके खिलाफ भी कुछ कानून बना सकते थे, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की महानता कि उन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, बल्कि इस देश के जितने भी बाशिंदे थे, देशवासी थे, भारतीय थे, वो किसी भी वर्ग जात के रहे हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, कोई भी रहा हो, सबको एक समान अधिकार दिया भारतीय संविधान में। यहां तक कि हजारों साल तक जनजाति अत्याचार करने वालों को भी वही सम्मान मिला जो पूरे देश के अन्य लोगों को सम्मान दिया गया। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की महानता थी, ये हमारे सामाजिक परिवर्तन के महानायकों की महानता थी कि उन्होंने बदले की भावना से काम नहीं किया बल्कि सद्भावना के साथ सबके साथ न्याय करने का काम किया। हमारे भारतीय संविधान की उद्देश्य का भी यही कि समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक रास्ते पर चलते हुए हम सबके साथ समता, न्याय, भाईचारे का व्यवहार करते हुए एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण करें। लेकिन आज कुछ ऐसी ताकतें जो भारतीय संविधान के साथ खिलवाड़ करने का घिनौना सोच रखती, इस देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रही। जब सब जानते हैं कि आजादी के बाद हमारा अपना भारतीय संविधान लागू हो गया, हमारा देश भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन गया, तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग इस देश के दुश्मन है, भारतीय संविधान के दुश्मन है। वो नहीं चाहते कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान चले, वो हिंदू राष्ट्र बना करके यहाँ मनु का विधान लागू करना चाहते हैं। होशियार रहना हमारे दलित आदिवासी पिछड़े समाज के भाइयों, आपको ये एक इनकी चाल है। यद्यपि जब इंडिया और भारत की बात आई तो एक दिन पहले तक हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग, हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग यह बोलने लगे कि भारत को केवल भारत कहो, इंडिया मत कहो। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि इंडिया दैट इज भारत, यानी जब इंडिया संविधान में लिखा हुआ है तो उसको बोलने से रोक कौन सकता है? और एक दिन पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करने वालों को भारत के प्रति प्रेम अचानक कैसे उमड़ाया? साथियों, यह इनका ड्रामा है। सही मायने में हिंदू राष्ट्र की मांग कर ये भारत की संप्रभुता पर चोट करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग कर भारतीय संविधान को बदलने की नापाक कोशिश करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए आपको सावधान रहना। हजारों साल तक इन लोगों ने धर्म के मगर जाल में हमें गुलाम बनाया। क्या विडंबना है, हम अपनी पीड़ा भी नहीं कह सकते। अगर हम अपनी पीड़ा कहते हैं तो मनवादी मीडिया कहता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का एक विवादित बयान और है। इंसाफ की मांग करना मीडिया के नजरों में विवादित बयान हो जाता है। आखिर मैं यही तो कहता हूं जो भारतीय संविधान कहता है। अगर भारतीय संविधान सबके सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा करने का अधिकार देता है, सबको धन धरती शिक्षा सम्मान का अधिकार देता है, सबको
काम क्यों? इस राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका तय करने के लिए हथियार देता है तो कौन से ऐसे लोग हैं जो आज भी धर्म के नाम पर हमको नीच कहते हैं, हमको अधम कहते हैं, यहां तक कि आज भी धर्म के नाम पर हमको अपमानित करने के लिए लोगों को प्रेरित कहते हैं, इस देश की महिलाओं को नीच से भी नीच होने का प्रमाण पत्र देते हैं। मैं कहना चाहता हूं आखिर क्यों? धर्म मानवता के कल्याण के लिए होता है, धर्म मानवता के विनाश के लिए नहीं, बल्कि धर्म मानवता के कल्याण के लिए होता है। लेकिन ये धर्म के ठेकेदार कौन सा ऐसा धर्म लेके चल रहे हैं जो इंसानियत का कत्लेआम पर करने पर आमादा, जो आज भी जात सूचक शब्दों का प्रयोग करके उनको अधम से अधम जात बताने में गर्व महसूस करता है। ये बड़ा अधम तेज कुम्हारा सुपच किरात कोल कलवारा, ये जितनी भी जातियां हैं ये सब आदिवासी दलित और पिछड़े समाज की, इनकी भाषा में बड़ भेदभाव के चक्कर में अगर इनके भाषा से बोला जाए तो शूद्र समाज की जातियां, भारतीय संविधान लागू होने के बाद आखिर इस प्रकार के बातों को बढ़ावा क्यों दिया जाता है? हमने तो केवल अनुरोध किया था इस देश के राष्ट्रपति माननीय प्रधानमंत्री को इस बात के लिए कहा था कि जो आपत्तिजनक शब्द हैं इसको निकाल दिया जाए या तो प्रतिबंधित किया जाए, पूरे देश में भूचाला है। हमने यही मांग किया था कि ढोल गवार शूद पशुनारी शकल ताड़ना गेदकारी, आखिर ये सब मारने पीटने के पात्र क्यों हैं? ढोल को पीटा जाता है इसलिए उससे उसकी सुर निकाली जाती है, लेकिन इस देश की महिलाओं को, इस देश के शुद्ध समाज को अपमानित करने का ये अपराध धर्म के ठेकेदार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा भारतीय संविधान कहता है अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कि हम धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। जब लिंग के आधार पर हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते तो महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों? जब हम जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।